हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएएस मेंस की क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है, जिसमें हम सीरीज़ 107 तक डिस्कस कर चुके हैं। सीरीज़ में हम सोशियोलॉजी समाजशास्त्र के प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। आज की सीरीज़ में 108, जिसमें हम समाजशास्त्र के ही 15 वर्ड्स यानी 2 मार्कर प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। लास्ट सीरीज़ में हमने समाजशास्त्र के 50 वर्ड्स के प्रश्नों को उनके उत्तर सहित डिस्कस किया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न है, जाति व्यवस्था एक संस्थ्र अधिक्रम आधारित व्यवस्था क्यों है, यानी हिरार्की बेस्ड सिस्टम क्यों है ये। ओके, तो इसका उत्तर हमें देना है, 15 वर्ड्स में देना है, 2 मार्कर प्रश्न है। समाज में खान पान, रहन सहन, व्यवसाय, धार्मिक नियोग्यताएँ व विशेषताएँ, विवाह संबंधों के आधार पर जातियों व उपजातियों में ऊंच नीच का संस्करण पाया जाता है। जाति व्यवस्था एक संस्थान व्यवस्था क्या है, यानी समाज में क्या होता है, खान पान में, रहन सहन में, व्यवसाय में, धार्मिक निर्योग्यताओं में, विशेषताओं में, विवाह संबंधों के आधार पर जाति और उपजाति दोनों में ही ऊंच नीच का संस्तर पाया जाता है। ठीक है, अर्थात समाज में जातियों की सीढ़ीनुमा व्यवस्था होती है, जिसमें प्रत्येक जाति का विशिष्ट स्थान भी होता है। अगर हम देखें कोई जाति उच्च है तो वो उच्च कुल रहती है, नीची जाति है तो नीची रहती है, बीच की है तो बीच की रहती है, यानी जो स्थान जाति का निश्चित है वो उस जाति में ही रहती है जिस जाति में है वो। तो एक सीढ़ीनुमा क्रम इसमें देखने को मिलता है, उच्च नीच का संस्तर इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, वर्ग व्यवस्था के प्रकार ये बताइए। वर्ग व्यवस्था के क्लास सिस्टम के फंक्शंस हमको बताने हैं, तो देख लेते हैं क्या क्या है। व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करना, वर्ग व्यवस्था से क्या होता है, व्यक्ति की कोई भी सामाजिक आर्थिक प्रगति को सुनिश्चित इसके द्वारा किया जा सकता है। जातिगत असमानता व लैंगिक असमानता को कम करना, ये जातिगत असमानता को और लैंगिक असमानता को भी कम करता है। सामाजिक एकीकरण में सहायक होता है, सामाजिक एकीकरण में सहायक है। प्रतिस्पर्धा में नवाचार को बढ़ावा भी देता है, लोग प्रतिस्पर्धी बनते हैं, नवाचार करने का प्रयास करते हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा भी देता है। तो वर्ग व्यवस्था के अगर हम प्रकारे फंक्शंस देखें तो ये हो चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संस्कृतिकरण को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। संस्कृतिकरण के प्रभावित करने वाले कारक, तो कारकों का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी कारक बोल, किसी भी टॉपिक का कोई कारक बोलता है तो हमेशा अपने दिमाग में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, ये 4-5 कारण, प्रशासनिक भी हो सकते हैं, ठीक है, पर्यावरणीय कारण, ये 5-7 कारक होते हैं, वो आपको दिमाग में रखिए। और आप अगर आपको नहीं भी आता है ना प्रश्न, तो आप खुद से बना के भी लिख सकते हैं। जैसे सामाजिक में सामाजिक के अकॉर्डिंग पॉइंट्स दीजिए, आर्थिक में आर्थिक के हिसाब से, राजनीतिक में राजनीतिक के हिसाब से, धार्मिक में धार्मिक के हिसाब से, प्रश्न की प्रकृति के अनुसार। ये मेरा हमेशा कहना रहेगा कि प्रश्न की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आपको डिवाइडेशन करना है और फिर उसके बाद में उसमें उत्तर आपको लिखना है। अगर आपको नहीं भी आएगा तो आप इस उत्तर को कर पाएंगे और आपको आधा से एक नंबर भी मिल जाएगा। नहीं आने से तो बेटर है कि एक नंबर भी आए, आधा नंबर भी आए तो अच्छा ही है ना। तो अब हम बात करें, सबसे पहले संस्कृतिकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारक, राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक में कौन कौन से हो गए, राजनीतिक प्रोत्साहन हो गया, राजनीतिक प्रोत्साहन हो गया, संवैधानिक अधिकार हो गए, राजनीतिक प्रोत्साहन हो गया, संवैधानिक अधिकार हो गए। ठीक है, राजनीतिक प्रोत्साहन से भी संस्कृतिकरण को प्रोत्साहित मिलता है और संवैधानिक अधिकार भी संस्कृतिकरण को प्रोत्साहित करते हैं। सामाजिक व धार्मिक कारक में देखें तो कर्मकांडी क्रियाओं में सुलभता, कर्मकांडी क्रियाओं में सुलभता आई है, सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन भी हुए, उसके बाद में सामाजिक धार्मिक सुधारों में बढ़ावा भी मिला, बहुत सारे जो कुप्रथाएँ हैं उनका त्याग हुआ है, तो ये भी बेनिफिट इसमें हुआ है। आर्थिक कारक, आर्थिक कारक में हम देखें तो औद्योगिकरण हो चुका है, नगरीकरण हो चुका है, व्यवसायिक हो चुका है, गतिशीलता आ चुकी है, सुदृढ़ आर्थिक स्थिति आ चुकी है, तो ये सारे आर्थिक कारक हो जाते हैं। अन्य कारकों में हम देखें तो अन्य कारकों में हो गया संचार व यातायात की विशेष विकास हो गया, शिक्षा का प्रचार प्रसार हो गया, ये सारे ही क्या करते हैं, संस्कृतिकरण को प्रोत्साहित करते हैं। तो इस तरह से आप उत्तर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भ्रष्टाचार के राजनीतिक कारणों को उजागर कीजिए। भ्रष्टाचार के राजनीतिक कारणों को उजागर करना है आपको। सत्ता की राजनीति, राजनेताओं द्वारा सत्ता प्राप्ति हेतु धन व अन्य अनुचित साधनों का प्रयोग करना। अगर राजनीतिक कारण देखें तो सत्ता की राजनीति करना, यानी सत्ता का मिसयूज करना, राजनेताओं के द्वारा सत्ता प्राप्ति हेतु धन और भुजबल, बाहुबल, अनुचित संसाधनों सभी का प्रयोग करना, तो ये सत्ता की राजनीति हो गई। उसके अलावा ये क्या है, खर्चीली व दोषपूर्ण चुनाव प्रणाली,
खर्चीली और दोषपूर्ण चुनाव प्रणाली के द्वारा भी भ्रष्टाचार को जन्म मिलता है, क्योंकि चुनाव प्रणाली आज के टाइम में बहुत खर्चीली हो गई है, दोषपूर्ण भी है, और साथ में ही जो है मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के लोक लुभावने जो स्कीम भी निकालती है, उसके अलावा उनको लोक लुभावने से होकर उनको मतदाताओं का व्यवहार जो है वो प्रभावित भी किया जाता है। उच्च राष्ट्रीय नेताओं की भ्रष्टाचार के प्रति प्रारंभिक उदासीनता। अब उच्च राष्ट्रीय जो नेता होते हैं उनकी भ्रष्टाचार के प्रति प्रारंभिक उदासीनता होती है, यानी जो उच्च स्तर के जो राष्ट्रीय नेता होते हैं वो भ्रष्टाचार को नेग्लेक्ट कर देते हैं, और नेग्लेक्ट करते हैं तो वो भ्रष्टाचार क्या है उच्च चरम सीमा पर पहुँच जाता है और उसका स्तर लगातार बढ़ता ही रहता है, कहीं ना कहीं कम भी नहीं होता है। निष्पक्ष व प्रभावी जांच तंत्र का अभाव। अब यहाँ पर अगर भ्रष्टाचार में कोई लिप्त भी हो गया है तो निष्पक्ष और प्रभावी जांच तंत्र का भी अभाव पाया जाता है। अगर प्रॉपर तरीके से जांच तंत्र हो और अगर कोई इसमें लिप्त पाया जाता है तो अगर उसको पकड़ कर कुछ सजा का प्रावधान हो तो ऐसा कृत्य रोका जा सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा स्ट्रॉन्ग कोई भी मजबूत प्रावधान नहीं है। तो ये राजनीतिक कारक या कारण जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजस्थान की जनजातियों की प्रमुख समस्याएं। अब यहाँ पर समस्याओं में भी मैं ये बोलना चाहूँगी, जब भी आपको ऐसा प्रश्न आए तो आपको वही सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जो भी प्रशासनिक जितनी भी समस्याएं हैं वो आपको मेंशन कर देनी है पॉइंट्स बना बना के। इस तरह से आप टेबल भी बना सकते हैं या फिर सेक्शन ऐसे से बना बना के आप सामाजिक आर्थिक अलग अलग बना के जितना भी आपको ध्यान है आर्थिक सामाजिक, कम से कम तीन तो लिखे ही आए, आर्थिक राजनीतिक सामाजिक, ये तो आप लिख कर ही आए। अब इसमें हम आर्थिक समस्याएं देखें। आर्थिक समस्याएं ये है कि संवरणात्मक अर्थव्यवस्था, रोजगार की कमी, गरीबी, पर्याप्त आर्थिक संसाधनों का कमी। एक तो क्या है इनका जनजातियों में क्या है कि पिछड़ापन है, इतना एजुकेशन शिक्षा की कमी है, रोजगार की कमी है, गरीबी अधिक है, पर्याप्त आर्थिक संसाधन भी नहीं है, उसके अलावा आधारभूत संरचना की भी कमी है, और उनको शिक्षा का अंधविश्वास भी उन्हें व्याप्त है, शिक्षा का अभाव भी है। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर विद्यमान है आर्थिक अगर हम समस्याओं में देखें तो। सामाजिक समस्याओं की बात करें तो यहाँ पर क्या है, कुप्रथाओं का चलन है, रीति जो मैं बोल रही हूँ अंधविश्वास, ये यहाँ पर आएगा, अंधविश्वास भी है, उसके अलावा कुप्रथाओं का चलन है, नशाखोरी है, अंधविश्वास है, और प्लस में ये क्या करते हैं कई बार जनजातियों में क्या होता है कि घर से ही इलाज करना चाहते हैं, तो नीम हकीम वाला सिस्टम भी यहाँ पर काफ़ी चलता है। तो सामाजिक समस्याएं भी यहाँ पर बहुत सारी देखने को मिलती है। अन्य समस्याओं में हम देखें राजनीति व प्रशासन में कम प्रतिनिधित्व, अशिक्षा, ये सारे कारक भी अन्य में शामिल हो जाएंगे। प्रशासनिक अनदेखी हो जाती है क्योंकि ये क्या है समाज से पिछड़े हुए होते हैं तो इनके क्षेत्र पर ध्यान नहीं जाता। हालांकि सरकार जो है अभी काफ़ी जनजाति उपयोजना माड़ा सिस्टम टाड़ा बहुत सारी सिस्टम जो है बहुत सारी स्कीम्स जो है वो असम सरकार चला रही है इनके डेवलपमेंट के लिए, लेकिन फिर भी अभी तक भी इनकी सिचुएशन जो है वो पिछड़ी हुई है, इन समस्याएँ जो है इस समाज में व्याप्त है। तो आज की सीरीज़ के प्रश्न यहीं तक समाप्त करते हैं आज की सीरीज़ को अपन। कल हम 50 वर्ड्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।